उत्तराखंड में भाजपा में खींचतान लगातार जारी है। कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में इस्तीफा देने के बाद मना लिए गए वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी ने अब बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरक सिंह रावत ने इससे पहले भी अपने इलाके में सुविधाओं की मांग करते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय भाजपा आलाकमान के दखल देने से वे मान गए थे, जिसके बाद भी चर्चा यही चल रही थी कि उनके और मुख्यमंत्री धामी के बीच खींचतान खत्म नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार हरक सिंह अपने परिवार के लिए विधानसभा चुनावों में 3 सीटों पर रिश्तेदारों और खुद के लिए टिकट मांग रहे थे, जिसमें से 1 टिकट पर वो अपनी पुत्रवधू अनुसुईया को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर ही अड़ी थी। हरक सिंह इसके खिलाफ राज्य में टिकट वितरण के लिए चल रही मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए, इसके चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ भाजपा के 2 से 3 मौजूदा विधायक भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह ने कांग्रेस का मंत्री पद छोड़कर ही कई अन्य विधायकों को साथ लेकर भाजपा की सदस्यता ली थी। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में देहरादून से सहयोगी यशराज आनंद इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। यशराज, देखिए जो कहीं ना कहीं खींचतान उत्तराखंड में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो एक तरीके से कल साफ तौर पर नजर आई जब कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत को बर्खास्त किया गया पार्टी से, और कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बीते चुनावों से पहले जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर अपने साथ में 2-3 विधायक लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रुख किया था, अब यही जानकारी है कि वैसा ही कुछ आज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब 2-3 लोगों को साथ लेकर अकेले ही नहीं फिर से कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, कितनी मजबूती इन बातों में और फिलहाल क्या वहां पर अपडेट इसको लेकर? देखिए, जैसे विधानसभा चुनाव भी काफी ज्यादा है, दल बदल की राजनीति भी गर्माते जा रही है। कुछ दिनों पहले भी एक बयान आया था कि गणेश रेडियाल ने कहा था कि भाजपा ने शुरुआत की है और हम अंत करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर देखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरक सिंह रावत का ये कई बहुत सालों से यह चल रहा था कि वो कोई पार्टी कभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते हैं, कभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस चले जाते हैं जी, और पार्टी के प्रति उनका रवैया हमेशा एक टिकट पाने के व्यक्ति के रूप में ही जाना जाता है। मतलब कहा जाता है उन्हें बदमाशी में है की तरह। इससे पहले भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हटाने से पहले ही पार्टी में भी अनुशासनहीनता के चलते 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था जी। और इसके बाद यहाँ काफी ज्यादा चर्चा जो उसी चल रही है कि हरक सिंह रावत को जो पार्टी मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया है, हम जो सुधर जाएंगे उनका स्वागत होगा। यशराज, इसके अलावा जिस तरीके से आपने कहा और खबरें भी सामने आ रही थी कि लगातार पुष्कर सिंह धामी के साथ जो खींचतान थी वो बनी हुई थी, पार्टी की मीटिंग्स में भी शामिल नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस्तीफे के बाद जो रूठने बनाने का दौर जारी था, तभी क्या सोच लिया था कि ये जो फाइनल डिसीजन है, जो जानकारी अब आ रही है कि कांग्रेस में आ सकते हैं वो लेंगे, या फिर कोई उम्मीद थी कि नहीं एक बार फिर से इन्हें मना लिया जाएगा और इस बार भी इसी जतन की वजह से एक तरीके से टैंट्रम यहाँ पर कर रहे थे कि कोई आकर मनाएगा उनको? इनको काफी ज्यादा मनाया जा रहा था, लेकिन जिन्हें बार बार अपनी बोली से अनुशासनहीनता से पार्टी को नाराज कर रहे थे जी, कल उन्होंने सोनिया गांधी से भी जाकर मुलाकात करी। चुनाव का समय काफी नजदीक है और विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व से इस तरीके से मुलाकात करना कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी को दर्शाता है, जो भाजपा इनकी नाराजगी को पूरी नहीं कर सकी है। जब उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, सूत्रों के हवाले से पता चला कि सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद पार्टी में अनुशासनहीनता के तहत इन पर कार्यवाही की गई और इसके बाद इन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। चुनाव का समय काफी नजदीक आ चुका है, सारा अब पार्टी में उम्मीदवारों की लिस्ट भी तय हो चुकी है, आ भी चुके हैं बहुत सारी पार्टियों की, इसलिए अब इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ भाजपा एकदम सख्त कदम उठाने को तैयार है। बिल्कुल, चलिए यशराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।